डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का ये वीडियो नंबर 2 है, ठीक है। और आप सभी ने देखे ही है फर्स्ट वाला वीडियो। अगर आप ऐसे ही रेगुलर देखते रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा। चलिए आ जाते हैं पॉइंट। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे कि टाइप्स ऑफ अर्थ एक्सकवेशन इक्विपमेंट, अर्थ एक्सकवेटिंग करने वाले, ठीक है। अर्थ एक्सकवेटिंग करने वाले जो इक्विपमेंट हैं उसमें पहला है पावर शोवेल, बैक हो, ड्रैग लाइन और क्लैंप सेल। ये जो इक्विपमेंट का नाम मैंने बताया है, ये इक्विपमेंट है कौन कौन से, अर्थ एक्सकवेशन इक्विपमेंट हैं। और अर्थ एक्सकवेशन इक्विपमेंट में अगर मैं बात करूँ तो वन बाय वन की बात कर लेते हैं। जैसे पहला है पावर शोवेल, तो पावर शोवेल के लिए क्या होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक के लिए होता है। एक्सकवेटेड ऑल टाइप ऑफ अर्थ एक्सेप्ट हार्ड रॉक, हार्ड जो रॉक होता है उसको छोड़ के बाकी जितने भी टाइप के अर्थ को एक्सकवेट करना हो वो एक्सकवेट कर लेते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं पावर शोवेल, तो आप देख सकते हैं कि व्हील माउंटेड जो हाई स्पीड फॉर्म ग्राउंड होता है, और ट्रैवलर माउंटेड जो लो स्पीड का होता है, अनस्टेबल सॉइल। ट्रैवलर मतलब जो चेन टाइप में बना रहता है, चेन वाला, ठीक है। अब इसमें कुछ बेसिक पार्ट हैं, देख सकते हैं बेसिक पार्ट क्या क्या बेसिक पार्ट हैं। ट्रैक सिस्टम है, केबिन है, केबल है, रैक एंड स्टिक है, बूम फुट पिन है, फिर सैडल ब्लॉक है, बूम पॉइंट सीव है, बकेट है। जो बकेट होता है वो इसने मीटर क्यूब को वो क्या कर एक्सकवेट कर लेता है। बकेट का मतलब वॉल्यूम बताया कि बकेट, और बकेट का वॉल्यूम है तो इससे थोड़े से कम में मतलब वॉल्यूम तक एक्सकवेट कर लेगा मटेरियल, ठीक है। आगे है ऑपरेट कैसे करेंगे, ऑपरेशन क्या है। द केबल कंट्रोल एंड इट मेक्स आउटवर्ड स्ट्रोक वाइल डिगिंग, जब भी डिगिंग कर रहे हैं तो आउटवर्ड स्ट्रोक मतलब ऐसे एक तरह आउटवर्ड स्ट्रोक करके, और ये कंट्रोल जो होता है वो केबल कंट्रोल के द्वारा होता है, ठीक है, केबल कंट्रोल के द्वारा। एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एप्लीकेशंस तो एप्लीकेशंस में देख सकते हैं कि एप्लीकेशंस क्या है, क्लोज रेंज ऑफ वर्क, क्लोज रेंज ऑफ वर्क, वेरी हार्ड मटेरियल्स, बिग साइज बोल्डर्स, डिगिंग इन ग्रेवल बैंक्स, क्ले पिट्स, कट इन रोड वर्क्स, रोड साइड बॉम्ब्स, ये सब इसके एप्लीकेशंस हैं कि इस तरीके से वो ये वर्क करेगा, ठीक है, क्या क्या वर्क के लिए है। फिर बाद में फैक्टर्स कंट्रोलिंग आउटपुट, तो फैक्टर्स कंट्रोलिंग आउटपुट में देख सकते हैं क्लास ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो मटेरियल है, एंगल ऑफ स्विंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ फॉलिंग यूनिट है, डेप्थ ऑफ कटिंग है, स्किल ऑफ ऑपरेशन है, जॉब कंडीशंस है। फिर बाद में उसके फिगर देख सकते हैं आप, यहाँ पे उसके फिगर को अगर देखेंगे तो फिगर आपको दिख रहा है कि पावर शोवेल कैसा होता है, ठीक है। तो ये पावर शोवेल इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उसके केबिन है, ठीक है। फिर बाद में हाउसिंग है, यहाँ पे पॉइंट को देखिए कि हाउसिंग है, फ्रेम है, सपोर्ट केबल है, सैडल ब्लॉक है, फिर उसके बाद से हॉइस्ट केबल है, फिर बाद में बूम है जो सपोर्ट के लिए है, फिर स्टिक है, क्राउड केबल है, हॉइस्ट केबल है, बकेट है, ये जो बकेट है, फिर बाद में क्रॉलर है, क्रॉलर माउंटेड है। ये सारे के ये उसके लाइन डायग्राम आपको देख रहे हैं, लाइन डायग्राम इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हैं। आगे पॉइंट देख लेते हैं कि पावर शोवेल, देखो इस टाइप का पावर शोवेल होता है, फिर बाद में इस टाइप का पावर शोवेल होता है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है बैक हो, ठीक है, बैक हो, बैक हो एल्सो टर्म है जो हो, बैक शोवेल और पुल शोवेल, इसके इस नाम से भी हम जानते हैं बैक हो को, ठीक है, हो के नाम से भी जानते हैं, बैक शोवेल के नाम से एंड पुल शोवेल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज टू एक्सकवेट बिलो द सर, नेक्स्ट पॉइंट है यूज टू एक्सकवेट बिलो द सर्फेस ऑफ इक्विपमेंट, इट केव्स इनटू द ग्राउंड। इसका मतलब वो ग्राउंड सरफेस के बिलो तक वो एक्सकवेट कर सकता है, केव जैसा बना सकता है ये बैक हो, ठीक है। उसके बेसिक पार्ट को भी देख लो, बेसिक पार्ट में क्या होता है, बूम है, बूम फुट ड्रम है, स्टिक बकेट है, जैक बूम है, बूम सीव है, बूम बकेट सीव है, इस तरीके से पार्ट हैं। ऑपरेशंस में देख सकते हैं सिमिलर टू शोवेल एक्सेप्ट इट मेक्स इनसाइड इनवर्ड स्ट्रोक वाइल डिगिंग, इनवर्ड स्ट्रोक होता है इसका, ठीक है, उसका आउटवर्ड होता था, इसको इनवर्ड होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा बाकी सब क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन देख सकते हैं डिगिंग जो होता है बिलो मशीन लेवल लाइक ट्रेंचेस, फुटिंग, बेसमेंट, तो ये पॉइंट से आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा पॉइंट दिया है तो ट्रिम द सरफेस, अब यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, बैक हो के फिगर आप देख सकते हैं, इस तरीके से बैक हो है, ठीक है, इस तरीके का बैक हो है। फिर उसके बाद से ड्रैग लाइन पे आ जाते हैं,
तो ड्रैग लाइन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया है यहाँ पर, जो ड्रैग लाइन की अगर मैं बात करूँ तो क्या बोला है, द ड्रैग लाइन इज सो नेम बिकॉज इट्स प्रोमिनेंट ऑपरेशन ऑफ ड्रैगिंग द बकेट अगेंस्ट द मटेरियल टू बी डग. नेक्स्ट पॉइंट, अनलाइक द शॉवेल इट हैज़ अ लॉन्ग लाइट क्रेन बूम एंड द बकेट इज लूजली अटैच टू द बूम थ्रू केबल्स. बूम थ्रू केबल से देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन और ड्रैग लाइन कैन डिग एंड डंप ओवर लार्ज डिस्टेंस दैन द शॉवेल कैन डू. ड्रैग लाइन आर यूजफुल फॉर डिगिंग बिलो इट्स ट्रैक लेवल एंड हैंडलिंग सॉफ्टर मटेरियल. सॉफ्टर मटेरियल को यह हैंडलिंग कर लेता है. आगे पॉइंट देख लेते हैं, ड्रैग लाइन से कुछ बेसिक पार्ट, तो इसमें भी क्या क्या है, बूम है, ट्रैक केबल है, ट्रैक चेन है, हॉर्स केबल है, हॉर्स चेन है, बकेट है, ये उसके कुछ बेसिक पार्ट हैं. देखिए ये पॉइंट तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये पॉइंट तो अपने क्या करना है, देखो अपने शॉर्ट में नोट्स बना लोगे तो बहुत ही बेटर रहेगा, कि ये नोट्स बना के फिर बाद में इसको पॉइंट टू पॉइंट लर्न करोगे तो ईजी रहेगा, क्योंकि ये देखो थियरी सब्जेक्ट है. थियरी सब्जेक्ट मेन होता है अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, मेन सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होता है, कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो और कितना आप लिख सकते हो उसी के बेस पे है. तो उसी के बेस पे मैं बना रहा हूँ कि ताकि आप उसका यूटिलाइज कर सको. एप्लीकेशंस देख सकते हो, एप्लीकेशंस मतलब उसका क्या हम यूज कर सकते हैं. तो क्या बोला है, ड्रैगिंग सॉफ्टर मटेरियल एंड बिलो इट्स ट्रैक लेवल. बिलो इट्स ट्रैक लेवल, जो ट्रैक लेवल है उसके बिलो सॉफ्टर जो मटेरियल है उसको ड्रैग करने के लिए. इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर एक्सवेटिंग ट्रेंचेस. इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर एक्सवेटिंग ट्रेंचेस व्हेन द साइड आर परमिटेड टू एस्टेब्लिश देयर एंगल ऑफ रिपोज विदाउट शोरिंग. उसका एंगल ऑफ रिपोज जो भी है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए विदाउट शोरिंग, ठीक है, एस्टेब्लिश मतलब सेट करने के लिए. इट हैज़ लॉन्ग रेंच रिचेस, ये लंबे समय पहुँचता है. एंड एक्सवेटेड फॉर कैनल्स एंड डिपोजिशन ऑन द एम्बैकमेंट विदाउट हॉलिंग यूनिट. इसको जैसे कैनल्स बनाने के लिए, कैनल को एक्सवेट करने के लिए, उसके साइड में डिपोजिट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ड्रैग लाइन का. ये पॉइंट को ध्यान में रख लेना है. नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं ड्रैग लाइन का, फैक्टर कंट्रोलिंग आउटपुट. तो कौन कौन से फैक्टर हैं कंट्रोलिंग आउटपुट में, देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल के टाइप्स के ऊपर डिपेंड है, डेप्थ ऑफ कटिंग के ऊपर डिपेंड है, साइज एंड टाइप ऑफ बकेट के ऊपर डिपेंड है, स्किल ऑफ ऑपरेटर की, जो ऑपरेटर है उसका स्किल क्या है, साइज ऑफ हॉलिंग यूनिट और मेथड, उसके हॉलिंग यूनिट के साइज और उसके मेथड के ऊपर डिपेंड है, एंगल ऑफ स्विंग के ऊपर डिपेंड है कि कितने एंगल में वो स्विंग करता है, लेंथ ऑफ क्रेन ऑफ बूम, लेंथ ऑफ क्रेन बूम और जॉब कंडीशन के बेस के ऊपर डिपेंड है. जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक लाइन इस तरीके से होता है, ठीक है, ऐसे में देख सकते हैं इस तरीके का ड्रैग लाइन है, इस तरीके का ड्रैग लाइन होता है. उसके बाद आ जाते हैं क्लैंप सेल. क्लैंप सेल दिस इज नो सो नेम ड्यू टू रिसेम्बलेंस ऑफ इट्स बकेट. इसका जो नाम इसलिए दिया गया था कि वो बकेट को रिसेम्बल्स कर सकता है, ठीक है. क्लैंप विच इज लाइकली सेल्फ इज विथ हिंज्ड डबल सेल. आगे देख सकते हैं द फ्रंट एंड इज इसेंशियल और क्रेन बूम विथ ए स्पेशली डिजाइन बकेट लूजली अटैच एट द एंड थ्रू केबल एज इन अ ड्रैग लाइन. आगे पॉइंट देखते हैं द कैपेसिटी ऑफ क्लैंप सेल बकेट इज यूजली गिवन इन द क्यूबिक मीटर. और नेक्स्ट पॉइंट है द बेसिक पार्ट ऑफ क्लैंप सेल बकेट आर द क्लोजली लाइन, हॉर्स लाइन, सीव्स होता है, ब्रैकेट्स होता है, टैग लाइन सेल्स. ये छोटे छोटे पॉइंट मैंने हर पॉइंट के लिए दिया है, ये छोटे छोटे पॉइंट थोड़ा सा आप नोट बना के लिख लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, कि आपको आइडिया ये मिल जाएगा, ठीक है. क्लैंप सेल का एप्लीकेशन क्या है उसको देख लेते हैं, कि क्लैंप सेल का क्या एप्लीकेशन है. तो यूज फॉर हैंडलिंग लूज मटेरियल सच एज क्रश, स्टोन, सैंड, ग्रेवल, कोल्स, इसके लिए क्लैंप सेल का यूज किया जाता है. मेन फीचर इज वर्टिकल लिफ्टिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. अगर मेन फीचर की बात करें तो उसका क्या होता है, वर्टिकल लिफ्ट करने के लिए मटेरियल, कोई भी मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे. मेनली यूज फॉर रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम कोफर डैम. कोफर डैम के अंदर से जो डिगिंग किया हुआ है मटेरियल को बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है. सीवियर मेन होल्स वेल फाउंडेशंस के लिए किया जाता है, ठीक है. ये क्लैंप सेल इस तरह का देख सकते हैं, इस तरीके से ये क्या करता है, इस तरीके से ये खुले रहते हैं, देख सकते हैं. ये पहले पार्ट में देखो ये ओपन है और फिर बाद में अंदर जाता है और अंदर के मटेरियल को टिक करता है एक्सवेट करके, और फिर बाद में ऐसे मिट्टी ऐसे भर के और फिर बाद में बाहर निकाल देता है. जैसे पियर्स बना रहे हैं कोई, मतलब ओवर ब्रिज बना रहे हैं,
ठीक है, तो ये जगहों पे जो पियर्स बनाते हैं वहाँ पे कोफा डैम प्रोवाइड करके उसके अंदर के मटेरियल को जहाँ तक हार्ड रॉक ना मिल जाए वहाँ तक अगर डिगिंग करनी होती तो इस तरीके से क्लैम्प सेल का यूज किया जाता है। इस तरीके से देख सकते हैं क्लैम्प सेल है, क्लैम्प सेल इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फिगर में मैंने एक्सप्लेन कर दिखाया है, तो इस तरीके से क्लैम्प सेल होते हैं। कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं कि जो कंपैरिजन जो हम मैंने पावर सोयल बैक हो ड्रैग लाइन क्लैम्प सेल है तो उसकी कंपैरिजन के बारे में बताया कि अगर एक्सीवेटिंग इन हार्ड सॉइल और रॉक को अगर एक्सीवेट कर रहे हैं तो पावर सोवेल या बैक हो ये गुड हैं, लेकिन ड्रैग लाइन उसके लिए नहीं है, ड्रैग लाइन से हम नहीं कर सकते, क्लैम्प सेल से भी वो बहुत पुअरली वर्क हो सकता है। आगे एक्सीवेटेड इन वेट सॉइल और मड में अगर करना हो तो पावर सॉइल पुअर है, बैक हो पुअर है, लेकिन ड्रैग लाइन मॉडरेटरी गुड है और क्लैम्प सेल मॉडरेटरी गुड है। डिस्टेंस बिटवीन फूटिंग एंड डिगिंग, जो फूटिंग है और डिगिंग कर रहे हैं उसमें स्मॉल स्मॉल लॉन्ग लॉन्ग कर सकते हैं, ये जो ड्रैग लाइन उसे लम अंदर तक कर सकते, ज़्यादा अंदर तक, क्लैम्प सेल से भी ज़्यादा अंदर तक कर सकते हैं। लोडिंग एफिशिएंसी में वेरी गुड पावर सॉइल है, गुड अगर बैक होकर देख सकते हैं, मॉडरेट गुड मतलब लमसम ड्रैग लाइन में है और प्रिसाइज बट स्लो क्लैम्प सेल में है। फूटिंग रिक्वायर्ड की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं, फूटिंग रिक्वायर्ड के लिए है, फिर डिगिंग लेवल के लिए है, फिर साइकिलिंग टाइम के लिए है। तो ये सारे पॉइंट हमने अर्थ एक्सीवेटिंग मूविंग के लिए ये पार्ट बनाया है, तो आप इसको देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइप के इक्विपमेंट आगे हम देखेंगे, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इस टाइप के इक्विपमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए और ऐसे देखते रहिए कि ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकें, तो इस तरह से देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।